हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जाड़ों में भरमा पराठे खाने और बनाने दोनों में ही बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको मूली के भरमा पराठे बताऊंगी। मूली के भरमा पराठे खाने में जितने टेस्टी होते हैं, बनाने में उतना ही उन्हें मुश्किल होता है। मूली इतना पानी छोड़ती है कि हमें बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका मूली का पराठा एकदम परफेक्ट बनेगा। चाहे आप मूली का पराठा किसी भी शेप का बनाए, चाहे तिकोना, चाहे गोल, चाहे चौकोर या फिर लच्छा पराठा, आपके पराठा कभी भी बिगड़ेगा नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने ये दो मूली ली है। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा कि मूली खरीदते समय हमें बिल्कुल कच्ची मूली लेनी है। आप ये इसके ऊपर और नीचे का डंठल निकालकर अलग कर देंगे। कच्ची मूली बहुत टेस्टी होती है, इसकी कोशिश कीजिएगा कि आप कच्ची मूली के ही पराठे बनाएं। अब एक पीलर की हेल्प से हम इसके ऊपर का छिकल हटा देंगे। दोनों मूलियों को ऐसे ही अच्छे से पील कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने दोनों मूलियों को अच्छे से पील कर लिया है। इन्हें अच्छे से धो लेंगे और अब इन्हें मोटे वाले कद्दूकस से हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा मोटा ही ग्रेट कीजिएगा क्योंकि मूली के लच्छे अच्छे से नज़र आने चाहिए। और ये देखिए, मैंने अपनी दोनों मूलियों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट करते समय ही इस मूली में कितना पानी है, अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, कभी कभार धनिया, हरा धनिया भी बहुत पानी छोड़ता है, इसलिए इसे मूली के साथ ही मिला दीजिए। और थोड़ा सा नमक मिलाकर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही मूली को छोड़ दीजिए। इसे ढककर अलग रख दीजिए। तब तक हम अपने पराठों का डो तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप ये गेहूं का आटा लिया है। इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को हाथ से रगड़ कर डालिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च और लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने थोड़े से ये सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। फ्रेंड्स, मूली के पराठों में तिल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर घर में अवेलेबल हो तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जैसा डो हम चपाती के लिए या पराठों के लिए तैयार करते हैं, एक साथ ज़्यादा पानी का यूज़ मत कीजिएगा वरना आटा बहुत ढीला हो जाएगा। हमें एकदम सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। और ये देखिए, अच्छा सा डो बनके तैयार हो गया है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और अच्छे से इसे 2-3 बार गूंथ लेंगे ताकि हमारा अच्छा आटा बिल्कुल चिकना हो जाए। और अब अपने आटे को 15 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक ये देखिए, मूली अच्छे से पानी छोड़ दिया है। और ये देखिए, इसमें कितना पानी निकला हुआ है। अब एक स्ट्रेनर के ऊपर मैंने कपड़ा रख दिया है और इसके ऊपर अपनी सारी मूली डाल देंगे और अच्छे से पोटली बांधकर जितना पानी आप हाथ से निकाल सकते हैं उतना निकाल लीजिए। ये देखिए, इसमें से कितना पानी निकल रहा है।
इस पानी के कारण ही हमारे पराठे अच्छे से बन नहीं पाते हैं, बार बार फट जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये प्रोसेस जरूर कीजिएगा, आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे। और ये देखिए मैंने कितना पानी निकाल कर अलग कर दिया है। आप ये देखिए मूली में बिल्कुल भी पानी नहीं है और मूली बिल्कुल सूख गई है। इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल सूखी मूली मिल गई है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, ये इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मेरी मूली का स्टफ अच्छे से तैयार हो गया है। और इस मूली के स्टफ में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इधर देखिए ये आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, इसे भी थोड़ा सा और गूंथ लेंगे और बिल्कुल चिकना कर लेंगे। और अब इस आटे में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर एक छोटी सी लोई ले लेंगे। ये देखिए मैंने एक छोटी सी बॉल बना ली है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसे एकदम गोल बेल लेंगे। जैसे आप रोटी बेलते हैं आप सिंपली उसी की तरह बेल लीजिए। आज हम अपने पराठे स्क्वायर शेप के बना रहे हैं। अगर आप राउंड शेप के बनाने चाहते हैं तो राउंड शेप का या फिर किसी भी शेप का बना सकते हैं। इसके ऊपर अपनी थोड़ी सी स्टफिंग रख देंगे। सारी स्टफिंग हम बीच में ही रखेंगे और इसे एक तरफ से अच्छे से मोड़ देंगे और फिर दूसरी तरफ। फ्रेंड्स दूसरी तरफ मोड़ने से पहले इसके एक परत जो हमने मोड़ी हुई है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। फिर ऐसे ही दूसरी परत मोड़ देंगे और उसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे। फिर इसे किनारे से अच्छे से मोड़ देंगे और ये देखिए इसमें एकदम स्क्वायर से शेप बन गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम फिर से अच्छे से बेल लेंगे। अब इसे हमें लंबाई में ही बेलना है, इसे एकदम गोल मत बेलिएगा वरना इसकी शेप बिगड़ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि इसकी शेप ना बिगड़ने पाए। और ये देखिए एकदम स्क्वायर शेप का पराठा बनके तैयार हो गया है। इधर मैंने गैस पर एक तवा रख दिया था, उसे बहुत तेज गरम कर लेंगे। उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और अपना पराठा डाल देंगे। फ्रेंड्स जब भी आप पराठे सेकें तो तवे को थोड़ा तेज गरम कर लें और फिर थोड़ी गैस मीडियम कर दें। एक तरफ सेक जाने के बाद हम अपने पराठे को पलट देंगे और इसके ऊपर अच्छे से घी लगा देंगे। एक तरफ अच्छे से सिक जाने के बाद फिर से दोबारा हम इसे पलट देंगे। दोनों तरफ ऐसे ही घी लगाकर अच्छे से पराठे को सेक लेंगे। और ये देखिए एक तरफ से कितने अच्छे से पराठा सिकने लगा है। देखिए दोनों तरफ पराठा अच्छे से सिकने लगा है। दोनों तरफ अच्छे से लाल होने के बाद पराठे को निकाल कर बाहर कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा पराठा भी सेक लेंगे और अपने सारे पराठे बनाकर रख लेंगे। आप चाहें तो इसकी लोइयां बनाकर पहले ही रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने कितने सारे पराठे बनाकर रख लिए हैं और एक भी पराठा मेरा बिल्कुल भी फटा नहीं है। फ्रेंड्स इस तरीके से आप कितने भी मूली के पराठे बना लेंगे आपका पराठा बिल्कुल भी फटेगा नहीं। इसे दही के साथ सर्व कीजिए, आपके घर में सब लोग आपके पराठे के दीवाने हो जाएंगे।
तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मैं आपको अपना पराठा हर तरफ से खोलकर दिखाती हूँ इसमें कितनी अच्छी मूली की स्टफिंग हुई है। ये देखिए पराठे की एक एक परत अच्छे से खुल रही है और ये देखिए इसमें कितनी बढ़िया सी स्टफिंग हुई है। पूरा पराठा अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, जरा सा भी पराठा कहीं से भी फटा नहीं है। तो एक बार इस तरीके से मूली के पराठे बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, फिर आप कभी भी मूली के पराठे बनाने से बचेंगे नहीं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कमेंट लिखना ना भूलें।